नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं अमर डे टू इंडिया, मेरा यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक जो हमारा होने वाला है टैटू रिमूवल के ऊपर। तो दिल थाम के बैठिए और आराम से इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। इसके अंदर मैं आपके टैटू रिमूवल के जितने भी क्वेरीज है उन सभी को सॉल्व करने वाला हूँ। तो पहला जो टॉपिक है हमारा कि टैटू रिमूवल कैसे होता है। वैसे तो बिल्कुल नहीं होता जैसे यूट्यूब पे पान चूना सोडा अलग अलग कोल्ड ड्रिंक या पता नहीं क्या क्या डाल के वो रिमूव करने की बातें करते हैं। इस तरह से टैटू रिमूव नहीं होता है। टैटू रिमूव करने की एक प्रॉपर प्रोसीजर होती है। स्किन ड्राफ्टिंग हो गया, प्लास्टिक सर्जरी, लेजर टैटू रिमूवल, ये सब वेज है टैटू रिमूवल को करने के। और इसमें से सबसे बेस्ट और फास्टेस्ट वे और सेफ वे है लेजर टैटू रिमूवल, जिसके अंदर टैटू धीरे 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 पर सेटअप मिटते जाता है। जो वीडियो है वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि लेजर टैटू रिमूवल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारी क्वेरीज हमें रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती है। आज उन्हीं सभी क्वेश्चंस का हम लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे और आपके स्किन के ऊपर दिखेगा कब उसका लाइट होगा कब डार्क होगा, इस सब के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आराम से आप बैठिए और ये वीडियो को पूरा एंजॉय कीजिए अंत तक। टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है। आजकल सभी लोग अपने अपने टैटू को रिमूव करवाने के पीछे पड़े हुए हैं। उन्हें वो टैटू पसंद नहीं आता है या फिर उनके जॉब में प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जाम्पल आर्मी, पुलिस भर्ती, एयरफोर्स और ये सारी जगहों पर टैटू अलाउड ही नहीं है। तो एयरोस्टेस को भी अलाउड नहीं है। तो प्लीज टैटू ना बनवाएं। जो ये प्रोफेशन में जाने वाले हैं, कोई भी टैटू एक बार में रिमूव नहीं होता है। तो कृपया ये ना सोचिए कि वो टैटू फटाफट रिमूव हो जाएगा, आपकी स्किन फिर से नई जैसी हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उसको होने के लिए बहुत समय लगता है और ये पेशेंस का काम है। आपके अंदर का पेशेंस है तो ही रिमूवल करवाइए, अदरवाइज उसे रहने दीजिए। टैटू रिमूवल में समय कितना लगता है वो टैटू के आपके साइज के ऊपर डिपेंड करता है। कितने साइज का आपका टैटू है, कितने इंचेस में बना हुआ है, कितना गहरा उसका घाव बना हुआ है आपकी स्किन के ऊपर, टैटू आर्टिस्ट ने कितने डीपली नीडल को पेंटेड किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है कि उसको मिटने को कितना समय लगेगा। जैसे घर के घर में चूना लगा के या फिर है ना पेट्रोल डाल के इनो लगा के ऐसे कुछ भी करके अपने टैटू को खराब मत कीजिए। एक बार अगर स्किन खराब होगी तो परमानेंटली आपकी स्किन पे एक डाग बैठ जाएगा और वो रिमूव करना किसी के भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक बार स्कार आ गया तो फिर उसके लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के बहुत सारे चक्कर काटने पड़ेंगे, तब जाके वो कहीं ट्रीट। मैंने निरमा और चूना लगाया था, इसकी वजह से मुझे इधर जख्म हो गई। निकला तो नहीं लेकिन जख्म हो गई। मत करो स्किन के साथ। हाँ, स्किन के साथ जो ये लेजर ट्रीटमेंट इसी से निकालो। थैंक यू सर सो मच। इसमें आपको जानना ये जरूरी है कि टैटू रिमूवल कराते समय आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। टैटू आर्टिस्ट या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने से पहले जो भी टैटू जितने भी एरिया पे आपका टैटू है उनके ऊपर से हेयर्स को आपको निकालना है। अगर आपके बॉडी पे पहले से ब्लैक हेयर्स अवेलेबल होंगे तो लेजर मशीन जो है वो हेयर्स को टारगेट करेगा, ना कि टैटू के पिगमेंट को। इसलिए पहले तो आपको आपके टैटू के ऊपर से हेयर्स निकालना है। लेजर रिमूवल किस तरह से काम करता है, ये जो इंक आपके बॉडी में सॉलिड फॉर्म पे बैठी हुई है इसको वो और पाउडर और लेजर की बीम उसको और तोड़ती है और वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और हमारी बॉडी की व्हाइट ब्लड से जो नेचुरल हमारा इम्यून सिस्टम रहता है, हीलिंग सिस्टम रहता है, वो लेजर की बारीक बारीक पाउडर्स को हमारी बॉडी में डिसॉल्व कर लेता है। इससे टैटू हमारा रिमूव होता है। ये प्रोसीजर है टैटू रिमूव करने। लेकिन रेड इंक हो गया, व्हाइट इंक हो गया, ब्लू इंक, ग्रीन इंक, मल्टी कलर टैटूज ज़्यादा समय लेते हैं टैटू रिमूव करने। और सादा ब्लैक टैटू भी बहुत ज़्यादा समय लेता है टैटू रिमूव होने के लिए, क्योंकि वो हमारे स्किन के अंदर एक डर्मस लेयर पे जाके इंजेक्टेड है, तो उसे निकलने को समय लगेगा। और धीरे धीरे बाय ट्रीटमेंट वो रिमूव होता है। बार में टैटू नहीं हट सकता, टैटू रिमूव होने को समय लगता है। और उसके साथ ही उसे रिमूव होने के लिए 15-15 दिन का गैप देना पड़ता है, स्किन को फिर से हीलिंग होने देनी पड़ती है, तब जाके आप फिर से उसको ये कर सकते हो, ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो ऐसे सेशन जो होते हैं आपके डर्मेटोलॉजिस्ट या टैटू आर्टिस्ट आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको अटेंड करना है। और प्लीज़ वो सेशन अटेंड कीजिएगा। अगर आप सोचते हैं कि आपका टैटू थोड़ा सा लाइट हो गया, अब आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है और आपने बीच में सेशन छोड़ दिया, तो स्किन उसके ऊपर फिर से रिग्रो कर जाती है, एपिडर्मल लेयर जो ट्रांसपोर्ट होती है हमारे स्किन के ऊपर। और फिर वो रिकवर होने के बाद आपको बहुत डिफिकल्ट जाता है, फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है आर्टिस्ट को। इसलिए आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको कि ये ट्रीटमेंट कंटिन्यूसली लेना लेजर टैटू रिमूवल की, जिससे कि टैटू आपका फास्ट और जल्द से जल्द रिमूव हो सके। टैटू रिमूव होने को कितना समय लगेगा ये कोई नहीं बता सकता। जब तक आपका फर्स्ट ट्रीटमेंट नहीं होता तब तक आर्टिस्ट को नहीं समझ में आता है कि आगे और कितनी ट्रीटमेंट लगने वाली है। जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू करनी पड़ेगी, जिससे कि आपके जो एम गोल है, जितना जब आपके एग्जाम है या फिर जब भी आपको वो टैटू रिमूव चाहिए तब तक वो टैटू रिमूव हो जाए। और ये प्रोसीजर 6 महीना, 3 महीना, 1 साल कितनी भी लंबी चल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आपके टैटू और उसका साइज और उसके अंदर क्या क्या कलर्स यूज किए गए, इसके अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है। बात ये कलरफुल टैटूज की बारी, जो कलरफुल टैटूज होते हैं उन्हें किस तरह से रिमूव किया जाता है। तो येलो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज,
ऐसे बहुत सारे कलर्स हैं जो कि बहुत डिफिकल्ट होते हैं लेजर टैटू रिमूवल से रिमूव करना। तो उस समय मैं उन्हें कंटिन्यूसली 15-15 दिन के सेशंस कंटिन्यू करने पड़ते हैं, तब जाके वो लेज़र काम करती है और धीरे धीरे करके टैटू की इंक रिमूव होती है। तो आप ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि टैटू रिमूवल जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही लेंदी प्रोसीजर है, ये एक दिन में रिमूव होने वाला टैटू नहीं है। और अगर इंटरनेट पे आपने ऐसे कुछ वीडियो देखे होंगे जिसमें इनो लगा के या इनो और पेट्रोल लगा के चूना लगा के टैटू फटाक से रिमूव हो जाता है जल्द से जल्द, तो ये सब अफवाह है और ये सब झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप ये सब ट्राई करते हो तो आपकी स्किन पे एक परमानेंटली डार्क क्यूलर्ड फॉर्मेशन या स्कार बन के उभर के आ सकता है। तो कृपया हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसी कोई भी गतिविधि ना करें अपने स्किन के साथ और अपने स्किन को ये सब हार्म होने से बचाएं, और प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें टैटू मिटाने के लिए। नमस्कार, माजा नाम है अमर और अभी हम लोग टैटू रिमूवल कर रहे हैं वो स्किन के ऊपर जिसके ऊपर चूना और निरमा लगा के पहले ही मिटाने की कोशिश की गई है। तो ऐसा प्लीज़ आप अपने घर पे ऐसे कोई नुस्खे या फिर ऐसा मत आजमाइए जिससे कि आपकी स्किन को परमानेंट स्कार बैठ जाए, जैसे कि हमने वीडियो में बताया था। रिमूवल कंप्लीट हो चुका है और पूरा टैटू लेजरली रिमूव हो गया है। अगर आपको भी इसी तरह से टैटू मिटवाना है तो आप आ सकते हो सीताबड़ी मोड़ नंबर 2 में अपोजिट दत्त मंदिर एज एन अमर टैटू स्टूडियो। नमस्कार, धन्यवाद। जो है हमारे बॉडी के अंदर डर्मस लेयर तक इंजेक्ट की हुई रहती है और वो लिक्विड फॉर्म में जाती है और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो उस सॉलिड पाउडर को आप किसी भी ऐसे घरेलू नुस्खे से नहीं मिटा सकते, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको कि आप टैटू रिमूव करने के लिए प्रॉपर इंसान के डॉक्टर के पास, सर्जन के पास, टैटू आर्टिस्ट के पास, जिनके पास लेजर रिमूवल मशीन है उनके पास जाए। उसका जो साइड इफेक्ट होता है जो टैटू रिमूवल करवाने के बाद उसका जो डार्क पड़ता है स्किन के ऊपर वो निकलने के लिए 6 से 7 महीने लगता है। अगर आपको 6 महीना पहले चलना पड़ेगा, जैसे अगर आपका एग्जाम अगर आज से 1 साल बाद है तो आज से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी टैटू रिमूवल की, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो रिमूव होने के लिए और कितना टाइम लगेगा। जैसे लेजर टैटू रिमूवल जिसमें क्यू स्विच लेजर, याग लेजर, एनडी याग लेजर, पिको सेकेंड लेजर, ऐसे 3 टाइप के लेजर अभी अवेलेबल है मार्केट में जो स्किन के ऊपर से टैटू रिमूव इजिली कर लेते हैं। लेजर टैटू रिमूवल कराने से पहले आप आगे वाले को पूछ सकते हो कि ये आपने कौन सा लेजर आपके ऊपर यूज किया जा रहा है, क्योंकि आपकी स्किन पर अगर कोई सर्जरी हुई तो आपका जानने का पूरा अधिकार है कि आप वो कौन सा लेजर आपके ऊपर इंजेक्ट कर रहे हैं। आर्टिस्ट से बनाया हुआ टैटू को मिटाने को समय लगता है और जो रोड साइड में गोदा हुआ रहता है उसे जल्दी हम मिटा सकते हैं, क्योंकि उनकी इंक ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं रहती है एज कम्पेयर टू लाइक प्रोफेशनल टैटू इंक। लेजर मशीन जो है, जो भी लेजर से आप टैटू रिमूव कराते हो, वो सिर्फ आपके वो लेजर जितना टैटू पोर्शन है, जितना ब्लैक इंक है उसके ऊपर टारगेट करती है। और जैसे अगर आपका टैटू कलरफुल है तो वो ज्यादा टाइम लेगा रिमूव होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो पूरा अंत तक देखा। आई होप आपको टैटू को रिमूवल का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको आया है तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आपके दोस्त हैं जो भी टैटू रिमूवल करवाने वाले हैं या फिर जिन्होंने सोच रहे हैं कि टैटू रिमूव करना है, तो उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए जिससे कि उन्हें और जानकारी मिल पाए कि किस तरह से टैटू रिमूव होता है, किस तरह से स्किन के ऊपर अलग अलग लेयर्स फॉर्म होती है, ये सारी जानकारी उन तक पहुँच पाए। तो कृपया ये वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें टैटू रिमूवल की ज़रूरत है। और ये वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much.